आज की इस वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ प्राइमरी ऑर्गेनाइजर्स। प्राइमरी ऑर्गेनाइजर्स वो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, यानी कि वो टिश्यू हैं जो अपना इंडक्शन करने के साथ साथ अपने आसपास वाली सेल्स को भी इंड्यूस करते हैं किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर हमें स्टडी करने हैं इंडक्शन, इंडक्टर, इवोकेटर और रेस्पॉन्सिव टिश्यू। इसे हम अंडरस्टैंड करेंगे इस डायग्राम के थ्रू। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है इसे हम नाम देते हैं स्पेमैन ऑर्गेनाइजर। स्पेमैन ऑर्गेनाइजर की सेल्स जो हैं वो मीजोडर्म टाइप ऑफ सेल्स हैं। इनसे कुछ प्रोटीन्स रिलीज होती हैं जिन्हें हम नाम देते हैं डिफ्यूज प्रोटीन। डिफ्यूज प्रोटीन स्पेमैन ऑर्गेनाइजर के ऊपर की तरफ प्रेजेंट सेल्स को सिग्नल देती हैं, जिसकी हेल्प से ये सेल्स जीनोपस ब्रैका यूरी नाम की प्रोटीन रिलीज करती हैं और अपने आप को मीजोडर्म टाइप ऑफ सेल में कन्वर्ट करती हैं और इन्वॉल्यूशन प्रोसेस शो करती हैं। इन्वॉल्यूशन का मतलब है कि धीरे धीरे करके वो अंदर इस कैविटी में मूव करेंगे जो गैस्ट्रोलेशन के इनिशिएशन के लिए रिक्वायर्ड है। यहाँ पर स्पेमैन ऑर्गेनाइजर है इंडक्टर या फिर ऑर्गेनाइजर। इसने जो डिफ्यूज प्रोटीन्स रिलीज किए हैं वो है इवोकेटर, और जिस टिश्यू ने इन डिफ्यूज प्रोटीन्स के लिए रेस्पॉन्स दिया है वो है रेस्पॉन्सिव टिश्यू या फिर कॉम्पिटेंट। और ये जो फिनोमेना यहाँ पे हुआ, प्रोसेस जो हुई है यहाँ पे, ये है इंडक्शन। हम कह सकते हैं कि स्पेमैन ऑर्गेनाइजर इंड्यूस करता है अपने ऊपर की तरफ प्रेजेंट सेल्स को मीजोडर्म टाइप ऑफ द सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम प्राइमरी ऑर्गेनाइजर्स के कुछ करेक्टरिस्टिक्स को इसी डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं कि प्राइमरी ऑर्गेनाइजर के पास कैपेसिटी होती है सेल्फ डिफ्रेंसिएशन की और अपने पास वाली सेल्स के डिफ्रेंसिएशन की। साथ ही साथ अगर एक ही एम्ब्रियो में, यानी कि एक ही एम्ब्रियो में अगर हम दूसरा कोई पार्ट या फिर ऑर्गेनाइजर ग्राफ्ट करा दें तो वहाँ पे दो ऑर्गेनाइजर हो जाएंगे। तो दो ऑर्गेनाइजर होने की वजह से वहाँ पे अब दो एक्सेस की फॉर्मेशन होगी। पहले से जो प्रेजेंट है दैट इज़ प्राइमरी एक्सेस, और दूसरा जो प्रेजेंट होगा दैट इज सेकेंडरी एक्सेस। अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट स्टडी करेंगे और उन एक्सपेरिमेंट में हम बार बार एक टर्म डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ग्रीक रिसेंट। तो हम पहले ग्रीक रिसेंट के लिए अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। ग्रीक रिसेंट है क्या? यहाँ पे ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये जीनोपस का अनफर्टिलाइज्ड एग है। इस अनफर्टिलाइज्ड एग के पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट है पिगमेंटेड कॉर्टेक्स, और पिगमेंटेड कॉर्टेक्स से नीचे की तरफ यहाँ पे डॉटेड फॉर्म में जो प्रेजेंट है ये वाला रीजन, ये है डिफ्यूज ब्लैक या ग्रे पिगमेंट। तो जो यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम है, ये वाला जो डायग्राम है हमारा, ये है अनफर्टिलाइज्ड स्टेट का। अनफर्टिलाइज्ड स्टेट में जैसे ही स्पर्म एंटर करता है, तो यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई अब हमारी यहाँ पर। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में स्पर्म जिस डायरेक्शन से एंटर करेगा वो कन्वर्ट हो जाएगी वेंट्रल साइड में, और उसी के जस्ट अपोजिट वाली साइड को हम नाम देंगे डोर्सल साइड। फर्टिलाइजेशन के साथ साथ जो यहाँ पे पिगमेंटेड कॉर्टेक्स वाला रीजन था ये एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री रोटेट करता है, और एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री रोटेट करने पे क्या होगा कि इस वाले रीजन से कुछ एरिया कवर होगा और यहाँ पे जो एरिया पहले से कवर्ड था अब वो यहाँ पे अनकवर्ड हो जाएगा, और उसी रीजन को हम नाम देते हैं ग्रीक रिसेंट। हेंसेस पे मैंने जो इस एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए उनमें हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है कि उन्होंने जायगोट जो था, न्यूट जायगोट, उस न्यूट जायगोट को इस तरह से कंस्ट्रिक्ट किया कि ग्रीक रिसेंट को उन्होंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ए रीजन, इसके पास भी ग्रीक रिसेंट, और बी रीजन, इसके पास भी ग्रीक रिसेंट प्रेजेंट है। उन्होंने बाद में देखा कि दोनों पार्ट्स से ही नॉर्मल एम्ब्रियोज की फॉर्मेशन हुई। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि ग्रीक रिसेंट को इस तरह से उन्होंने डिवाइड किया कि जायगोट के सिर्फ एक पार्ट में ही ग्रीक रिसेंट प्रेजेंट था और दूसरे वाले में नहीं था। तो जिस पार्ट में ग्रीक रिसेंट प्रेजेंट था उससे तो नॉर्मल एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हुई, और जिस पार्ट में ग्रीक रिसेंट एबसेंट था उससे नॉर्मल एम्ब्रियो ना बन के एक अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल की फॉर्मेशन हुई जिसे हम कहते हैं बेली पीस, और इसमें एक्सियल स्केलेटन नहीं था। इन दोनों एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि नॉर्मल एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए ग्रीक रिसेंट रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है,
क्योंकि अगर ग्रे क्रिसेंट नहीं होगा तो नॉर्मल एम्ब्रियो फॉर्म नहीं होगा। ये डायग्राम भी जिनोपस के डेवलपिंग स्टेज का ही है। क्लीवेज में थ्री टाइप्स ऑफ द सेल्स की फॉर्मेशन होती है, यानी कि ब्लास्टोमियर्स की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर जो सबसे नीचे वाले रीजन में प्रेजेंट रहती है, जहाँ पर योक की कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहती है, वहाँ पर क्लीवेज का रेट उतना ही कम होगा। तो जो क्लीवेज होगी वो कम होने की वजह से यहाँ पर सेल्स का साइज भी ज़्यादा होगा, और सेल्स का साइज ज़्यादा होगा तो उन्हें हम क्या नाम देंगे, मैक्रोमियर्स। और ये मैक्रोमियर्स बनाती हैं एंडोडर्म। इससे ऊपर वाले रीजन में जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो है मीजोमियर्स। मीजोमियर्स से फॉर्मेशन होती है मेसोडर्म की। और सबसे ऊपर वाले रीजन में जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो बनाती हैं एक्टोडर्म। अब यहाँ पर जो हम एक्सपेरिमेंट स्टडी करना है, उसमें पहला जो एक्सपेरिमेंट है, यानी कि सीरीज का थर्ड एक्सपेरिमेंट है, इस डायग्राम का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, उसमें साइंटिस्ट ने क्या किया, इन वाले दो रीजन्स को तो नॉर्मली यहीं पर रहने दिया, यानी कि एक्टोडर्म के ऊपर एंडोडर्म मीजोडर्म वाली सेल्स को रखा, एंडो के ऊपर मीजोडर्म वाली सेल्स को रहने दिया, और एक्टोडर्म वाली सेल्स को यहाँ से रिमूव कर दिया। जैसे एक्टोडर्म वाली सेल्स को यहाँ से रिमूव किया तो उन्होंने क्या देखा कि जो डेवलपिंग स्टेजेस थी फर्दर, उनमें नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन नहीं हुई। यानी कि नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन होती है एक्टोडर्म से। इन्होंने जो दूसरा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया उसमें इन्होंने एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म की सेल्स को पहले अलग अलग कर दिया, फिर बाद में एंडोडर्म की सेल्स के ऊपर एक्टोडर्म की सेल्स को शिफ्ट कर दिया। उन्होंने फर्दर डेवलपमेंट को कंटिन्यू होने दिया और बाद में क्या देखा, यहाँ पे जो सेल्स फॉर्म हुई वो मीजोडर्म बनी, यानी कि उन्होंने अपना फेट चेंज किया, वो एक्टोडर्म में ना कन्वर्ट होके वो मीजोडर्मल टाइप ऑफ द सेल्स में कन्वर्ट हुई। कुल मिला के क्या हुआ कि यहाँ पे भी नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन नहीं हुई। हम इन दोनों एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम फॉर्म होता है एक्टोडर्म से, और उसके फॉर्मेशन के लिए एक्टोडर्म को प्लेस होना चाहिए मीजोडर्म की सेल्स के ऊपर। इसी सीरीज में जो इनका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था, एक एम्फीबियन अर्ली गैस्ट्रुला से डोर्सल साइड में से डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर को दूसरे अर्ली गैस्ट्रुला के वेंट्रल साइड पे उसके ग्राफ्ट कर दिया गया, डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। उन्होंने बाद में डेवलपमेंटल स्टेजेस में देखा कि यहाँ पर दो एम्ब्रियोज की फॉर्मेशन हुई। एक तो पहला एम्ब्रियो जो उसमें पहले से ही प्रेजेंट ब्लास्टोपोर की वजह से फॉर्म हुआ है डोर्सल साइड पर, दैट इज प्राइमरी एम्ब्रियो, और दूसरा वो एम्ब्रियो जो बाद में वेंट्रल पोजीशन पर ग्राफ्ट किए हुए डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर की वजह से फॉर्म हुआ है, वो है सेकेंडरी एम्ब्रियो। यानी कि यहाँ पे अब दो लार्वे फॉर्म होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी लार्वे, कंजॉइंट लार्वे विल बी फॉर्म्ड।